140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त टीवी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब आखिर वो लम्हा आएगा, ये चंद्रयान कब टच डाउन करेगा सतह को, कब वो छुएगा। और इस बीच आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये तस्वीरें, जरा देखिए, इसरो कमांड सेंटर से तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ ही वक्त में आप देखेंगे वो वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा जिसमें आप ये पूरी प्रक्रिया और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चांद पर हिंदुस्तान और इंतजार बस कुछ ही मिनटों का, 5:20 का वक्त बताया गया था जब ये तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो जाएंगी। फीड आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से भी। और ये देखिए इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल। त्यागी साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि जो ये तमाम वैज्ञानिक हैं, अच्छा पहले सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है वहाँ पर। सिचुएटेड इन नम्मा बेंगलुरु कर्नाटका, आई आरुषि सेठ एंड माई कलीग डॉक्टर पदमदेव मिश्रा आर योर होस्ट फॉर द इवनिंग एंड शेल एकम्पनी यू ऑन द जर्नी ऑफ द लैंडिंग इवेंट फ्रॉम पावर डिसेंट स्टार्ट टू टच डाउन। टूडे वी शैल बी विटनेसिंग द फाइनल फेज of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's south polar region. तो इसरो कमांड सेंटर से यह सीधा प्रसारण शुरू हो चुका है। वहां पर जानकारी दी गई है कि वहां के बारे में हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन लगातार आप तक वहां से पहुंचाते रहेंगे लोग। त्यागी जी ये बताइए, अभी वहाँ लोगों के दिमाग में चल क्या रहा होगा, वैज्ञानिकों के दिमाग में? वही चल रहा होगा जो हमारे दिमाग में भी चल रहा होगा। और आप देखिए कि हम लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उस मिशन से, उसके बाद एक एंग्जाइटी है, एक्साइटमेंट तो है लेकिन एक एलिमेंट ऑफ एंग्जाइटी भी है उसमें। तो जो लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनका एक तरीके से रिजल्ट आना है, वो 3-4 साल की मेहनत का आप सोच सकते हैं कि उनकी दिमागी हालत क्या होगी। तो वो मुझे लगता है एक्साइटमेंट से, त्यागी जी आप खुद चूंकि वैज्ञानिक हैं आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ये एक हालांकि कोई भी रिसर्च में क्योंकि वो बड़ा इम्पार्शियली हमें करना होता है, जिसमें कि रिजल्ट क्या होगा उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है कि ये मिशन से पूरा एक 140 करोड़ भारतीय के सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं, तो इस मिशन का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये आम आदमी की भी एक कहें कि उम्मीद है, उसकी एस्पिरेशन है। और क्योंकि एक बिल्कुल एक, और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल, कुछ मिनटों का और इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे। एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज लगातार जारी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।